प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाय टू फाइव बाय टू सेकेंड कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल जीरो पाए यानी कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू रहेंगी कॉस इनवर्स एक्स एंगल है इसकी वैल्यू ज़ीरो से वन एटी डिग्री तक ही होना चाहिए क्लोज इंटरवल जीरो पाए साइन इनवर्स एक्स के वैल्यू क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू यानी माइनस नाइन्टी डिग्री और नाइन्टी डिग्री इसके बीच में होना चाहिए टेन इन एक्स के लिए ओपन इंटरवल है माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू एग्जाम्पल्स के लिए वैल्यूज अपने लर्न होना चाहिए कॉर्ट इन एक्स के लिए ओपन इंटरवल है जीरो पाए यहाँ पे क्लोज इंटरवल जीरो पाए हियर इज ओपन इंटरवल जीरो पाए सेकिन वर्स एक्स सेकिन वर्स एक्स के लिए क्लोज इंटरवल जीरो पाए माइनस फाइव बाई टू क्लोज इंटरवल जीरो पाई माइनस फाइव बाई टू दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और कोशेक इन्वर्स एक्स कोशे क्यूर्स एक्स के लिए क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाय टू फाइव बाई टू माइनस जीरो यानी कोशे क्यूनवर्स एक्स वैल्यू जीरो नहीं रहेंगे से कन्वर्स एक्स वैल्यू फाइव बाय टू नहीं रहेंगे दिस वैल्यू शुड बी ओमिटेड अब हम लोग ये देखते हैं एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग इसमें फर्स्ट है साइन इनवर्स वन बाय टू सेकेंड कोसेक इनवर्स टू थर्ड टेन इनवर्स माइनस वन फोर्थ टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री साइन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू और कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय टू वन बाय वन एक एग्जाम्पल देखते हैं पहला है साइन इनवर्स वन बाय टू अब साइन इनवर्स वन बाय टू एग्जाम्पल साइन इनवर्स का है तो साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखना है क्लोज इंटरवल माइनस पाए बाय टू बाय टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इस क्लोज इंटरवल माइनस 2 बाई टू फाइव बाई टू वैल्यू निकालना है अपने साइन इनवर्स वन बाय टू के तो साइन इनवर्स वन बायल टू लेना है अल्फा साइन इनवर्स वन बाय टू इज द एंगल कौन सा एंगल है अल्फा. अल्फा तो अल्फ़ा और अल्फ़ा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल यानी माइनस फाइव बाई टू लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और फाइव बाय टू अल्फ़ा की वैल्यू माइनस नाइन्टी डिग्री नाइन्टी डिग्री के बीच में ही होना चाहिए फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अब साइन इनवर्स वन बाय टू इक्वल टू अल्फा है जब साइन इन्वर्स को उधर ट्रांसफर करते हैं इट बिकम साइन साइन अल्फा इक्वल टू वन बाय टू साइन अल्फा इक्वल टू वन बाय टू ये स्टेप के ऊपर थे आगे अब वन बाय टू साइन के कौन से एंगल की वैल्यू है स्मॉलेस्ट एंगल तो दैट इज फाइव बाय सिक्स थर्टी डिग्री साइन अल्फा इक्वल टू वन बाय टू वन बाय टू साइन फाइव सिक्स दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू हो गया फाइव बाय सिक्स अल्फा इक्वल टू फाइव बाय सिक्स ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है माइनस फाइव बाई टू अल्फ़ा की जगह लिखेंगे पाई बाय सिक्स लेस दैन पाई बाई टू माइनस पाई बाई सिक्स माइनस पाई बाई सिक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई पाई बाई सिक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू एंड द अल्फ़ा अल्फा यानी साइन इनवर्स वन बाय टू साइन इनवर्स वन बाय टू की प्रिंसिपल वैल्यू है फाइव बाई सिक्स अल्फ़ा मीन्स साइन इनवर्स वन बाय टू एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स वन बाय टू इज बाई सिक्स सेकेंड एग्जाम्पल है कोसेक इन्वर्स टू तो कोसेक इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखना है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन से क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाय टू फाइव बाय टू माइनस जीरो यानी कोसेक इन्वर्स एक्स के लिए माइनस नाइन्टी नाइन्टी डिग्री के बीच में होना चाहिए ज़ीरो छोड़ के इट नॉट बी ज़ीरो लेट कोसेक इनवर्स टू इक्वल टू अल्फा कोशिक टू इक्वल टू लेना है अल्फा कंडीशन वही लिखेंगे अल्फ़ा की वैल्यू जीरो नहीं होना और अल्फा होना माइनस नाइन्टी नाइन्टी के बीच में माइनस पाई बाई टू लेस देन और इक्वल टू अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू अब ये को right तो cosec, कोसेक इनवर्स टू इक्वल टू अल्फ़ा है कोसेक इनवर्स को राइट में ट्रांसफ़र करते हैं तो इट बिकम्स कोसेक यानी कोसेक अल्फ़ा इक्वल टू टू कोसेक अल्फा इक्वल टू टू अब टू कोसेक के कौन को से एंगल की वैल्यू है तो हम लोग पहले देखेंगे साइन साइन पाव बाय सिक्स साइन थर्टी डिग्री साइन फाइव बाय सिक्स है वन बाय टू कोशेक फाइव बाय सिक्स है साइन करे सी रोकल कोशेक फाइव बाय सिक्स है वन बाय टू करे सी रोकल टू एने कोसेक फाइव बाय सिक्स मीन्स टू टू मीन्स कोसेक फाइव बाय सिक्स अभी कोसेक अल्फा इक्वल टू कोशेक फाइव बाय सिक्स देट मीन्स अल्फा इक्वल टू फाइव बाय सिक्स अल्फा इक्वल टू सिक्स सिक्स लाइज माइनस टू एंड फाइव बाय टू कंडीशन और अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो से सेटिसफाई हो गए क्योंकि फाइव बाई सिक्स इज़ नॉट इक्वल टू जीरो अल्फ़ा नॉट इक्वल टू जीरो और ये अल्फा का ही वैल्यू है कोसेक इनवर्स टू की वैल्यू है एंड द फॉर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स वन कोसेक इनवर्स टू कोसेक इनवर्स टू नॉट वन बाय टू कोशिक इनवर्स टू इज फाइव बाई सिक्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स टू इज फाइव बाई सिक्स देन वी राइट थर्ड एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल है टेन यूनवर्स के लिए तो टेन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल माइनस फाइव बाय टू फाइव बाय टू इफ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज ओपन इंटरवल माइनस फाइव बाय टू फाइव टैन टू ले टेन इनवर्स माइनस वन इक्वल टू अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग टू द गिवन इंटरवल दैट मीन्स माइनस फाइव बाय टू लेस देन अल्फा लेस देन फाइव टू टेन इनवर्स माइनस वन इक्वल टू अल्फा है तो टेन वाई अल्फा इक्वल टू माइनस वन माइनस वन मीन्स माइनस टेन फाइव बाय फोर माइनस वन मीन्स माइनस टेन फाइव बाय फोर टेन ऑफ माइनस थ्रीटा माइनस टेन थीटा यानी माइनस टेन फाइव बाय फोर को टेन ऑफ माइनस फाइव बाय फोर लिख सकते माइनस टेन फाइव बाय फोर को टेन ऑफ माइनस फाइव बाय फोर लिख सकते हैं यूजिंग द फॉर्मुला टेन ऑफ माइनस थ्रीटा इट इज इक्वल टू माइनस टेन टीटा माइनस टेन टीटा मीन्स टेन माइनस थ्रीटा यानी यहाँ पे अल्फ़ा हो गया टेन इन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर और माइनस फाइव बाई फोर यानी माइनस फोर्टी फाइव डिग्री इट लाइज बिटवीन माइनस नाइन्टी एंड नाइन्टी यानी माइनस फाइव बाई टू लेस दैन माइनस फाइव बाई फोर लेस दैन फाइव बाई टू एंड दफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स वर्स माइनस वन टेन इन माइनस वन की प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस फाइव बाई फोर टेन इनवर्स एक्स के लिए ओपन प्रिंसिपल वैल्यू पर है ओपन इंटरवल माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू टेन इनवर्स माइनस वन निकालना है तो लेट इट अल्फा कंडीशन लिखना है वेयर माइनस फाइव बाई टू लेस देन अल्फ़ा लेस देन फाइव बाई टू एंड दफर टेन अल्फ़ा इक्वल टू माइनस वन माइनस वन मीन्स माइनस टेन फाइव बाई फोर माइनस टेन फाइव बाई फोर मीन्स टेन ऑफ माइनस फाइव बाई फोर टेन ऑफ माइनस फाइव बाई फोर तो अल्फा इक्वल टू माइनस फाइव फोर अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि टेन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा एक माइनस टेन फाइव बाई फोर को टेन पाए माइनस फाइव बाई फोर नहीं लिख सकते हैं। माइनस फाइव बाई फोर हो गया थ्री फाइव बाई फोर थ्री फाइव बाई फोर ये माइनस नाइन्टी नाइन्टी के बीच में नहीं आती वैल्यू इसलिए लेंगे टेन ऑफ माइनस डेटा दैट इज माइनस टेन डेटा अप्लाई करके टेन ऑफ माइनस फाइव बाई फोर लिखना है अल्फा इक्वल टू हो गया माइनस फाइव बाई फोर एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर से टेन इनवर्स का है तो अगेन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाय टू फाइव टू ओपन इंटरवल ले टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री इक्वल टू अल्फा वेर माइनस फाइव बाय टू लेस देन अल्फा लेस देन फाइव बाय टू टेन अल्फा इक्वल टू माइनस रूट थ्री रूट थ्री यानी टेन थ्री तो माइनस रूट थ्री मीन्स माइनस टेन थ्री माइनस टेन फाइव बाई थ्री को लिखना है टेन ऑफ माइनस फाइव बाई थ्री टेन ऑफ माइनस टीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा सो अल्फा इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री माइनस फाइव बाई थ्री लाइज बिटवीन माइनस फाइव बाय टू एंड फाइव बाई टू दैट मीन्स माइनस फाइव बाई टू लेस एन माइनस फाइव बाय थ्री लेस एन फाइव बाई टू और ये अल्फा यानी टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री अल्फा मीन्स टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री जिसकी वैल्यू है माइनस फाइव बाई थ्री एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री इज माइनस फाइव बाई थ्री नेक्स्ट एग्जांपल साइन यूनवर्स का है इसलिए साइन यूनिवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू इक्वल टू अल्फा वेर माइनस फाइव बाई टू लेस क्लोज इंटरवल इसलिए लेस दैन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू फाइव बाय टू या साइन इनवर्स ऑफ वन बाय टू इक्वल टू अल्फा तो साइन अल्फा इक्वल टू वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू एने साइन फाय बाय फोर साइन अल्फा इक्वल टू साइन फाय बाय फोर दैट मीन्स अल्फा इक्वर टू फाय बाय फोर अल्फा इक्वल टू फाइव बाय फोर अल्फा बाय फोर बिलोंग्स टू दिस इंटरवल माइनस फाइव बाय टू लेस देन और इक्वल टू फाइव बाय फोर लेस देन और इक्वर टू बाय टू साइन इनवर्स ऑफ वन बाय रूट टू साइन इनवर्स वन बाय रूट टू प्रिंसिपल वेल्यू फाइव बाय फोर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स वन बाय रूट टू इज पाए बाय फोर नेक्स्ट एग्जाम्पल कॉस इनवर्स के लिए द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल जीरो पाए वैल्यू निकालना है कॉस इन ऑफ माइनस वन बाय टू के तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू इक्वल टू लेना है अल्फा वे जीरो लेस देन और इक्वल टू अल्फा लेस देन और इक्वल टू पाए कॉस इनवर्स माइनस कॉस इन ऑफ माइनस वन बै टू इक्वल टू अल्फा तो कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस वन बै टू माइनस वन बै टू मीन्स माइनस कॉस फाय आए थ्री माइनस कॉस पाइव आई थ्री मीनस कॉस पाए माइनस फाइव आई थ्री कॉस नेगेटिव सेकेंड क्वाट्रेंट सेकेंड क्वाट्रंट बैंक है फाय माइनस थ्रीटा दैट मीनस कॉस फाय माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थ्रीटा कॉस पाए माइनस फाय आए थ्री इन्हें कॉ टू पाए थ्री कॉ अल्फा इक्वल टू कॉस टू पाए थ्री इक्वल टू टू थ्री टू थ्री मीन्स फाइव बाय थ्री अने सिक्स डिग्री टू फाइव 120, थ्री वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी लाइज बिटवीन जीरो एंड वन एटी बराबर है जीरो लेस देन और इक्वल टू टू फाइव बाय थ्री लेस देन और इक्वल टू फाइव एंडोर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्वेश्चन माइनस वन बाय टू इज टू फाइव बाय थ्री द फॉलोइंग फर्स्ट एग्जाम्पल में टेन इन वन प्लस कॉस इनवर्स वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स वन बाय टू इसका वैल्यू निकालना है इसमें पहले जो टर्म है टेन इनवर्स वन है तो ले टेन इनवर्स वन इक्वल टू अल्फ़ा और अल्फा की वैल्यू माइनस फाइव बाय टू फाइव बाय टू के बीच में टेन इनवर्स के लिए माइनस फाइव बाय टू लेस देन अल्फ़ा लेस देन फाइव टू टेन इनवर्स वन इक्वल टू अल्फ़ा तो टेन अल्फ़ा इक्वल टू हो गया वन लेकिन वन या ना टेन फाइव बाई फोर देट मीन्स टेन अल्फ़ा इक्वल टू टेन फोर सो अल्फा इक्वल टू पाई बाय फोर पाई बाय फोर लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय टू एंड पाई बाय टू यानी माइनस पाई बाय टू लेस देन पाई बाय फोर लेस देन पाई बाय टू अल्फ़ा मीन्स टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन तो टेन इनवर्स माइनस वन की वैल्यू हो गई पाई बाय फोर एक वैल्यू पता होगी बाद में कॉस इन वन बाई टू निकालना है तो वो लेंगे बीटा लेट कॉस वन बाय टू इक्वल टू बीटा बीटा की वैल्यू जीरो और के बीच होना चाहिए जीरो लेस देन और इक्वल टू बीटा लेस देन और इक्वल टू पाई कॉस इन वन बाय टू इक्वल टू बीटा तो कॉस बीटा इक्वल टू वन बाय टू कॉस बीटा इक्वल टू वन बाय टू वन बाय टू इज कॉस फाइव बाय थ्री कॉस सिक्सटी डिग्री यानी बीटा की वैल्यू फाइव बाय थ्री बीटा इक्वल टू फाइव बाय थ्री फाइव बाय थ्री लाइज बिटवीन जीरो एंड पाए मेंशन इट जीरो लेज दे और इक्वल टू फाइव बाय थ्री लेज दे पाए लेज दे और इक्वर टू पाए बीटा यानी कॉस वन बाय टू तो कॉस वन बाय टू इक्वल टू फाइव बाय थ्री बाद में टेन साइन इनवर्स वन बाय टू तो साइन इनवर्स वन बाय टू इक्वल टू ग्यामा साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज इंटरवल माइनस फाइव बाई टू फाइव बाई टू यानी माइनस फाइव बाई टू लेस जैन और इक्वल टू ग्याा लेस जैन और इक्वल टू फाइव बाई टू साइन इनवर्स ट्रांसफर किया तो साइन गामा इक्वल टू वन बाय टू वन बाय टू मीन साइन थर्टी साइन थर्टी मीन साइन फाइव बाय सिक्स यानी साइन गामा इक्वल टू साइन फाइव बाय सिक्स तो ग्यामा इक्वल टू पाई बाय सिक्स वेयर माइनस पाई बाय टू लेस और इक्वल टू पाई बाय सिक्स लेस और इक्वल टू पाई बाय टू और ग्यामा में साइन इनवर्स वन बाय टू दैट इज पाई बाय सिक्स और जिसके वैल्यू निकालना है वो एक्सप्रेशन लिखेंगे टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स वन बाय टू प्लस साइन इनवर्स वन बाय टू टेन इनवर्स वन यानी फाइव बाई फोर कॉस इनवर्स वन बाय टू इन्ज फाइव बाय थ्री साइन इनवर्स वन टू सिक्स इनकी एडिशन की है तो इनसे आता ट्वेल्व डिनिनेट में फोर है तो फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व है तो थ्री पाए थ्री फोर टाइम्स ट्वेल्व है तो न्यूमरेटर फोर पाए सिक्स टू टाइम्स ट्वेल्व है तो न्यूमरेटर टू पाए इनके एडिशन किए तो आंसर हो गया नाइन पाई बाय ट्वेल्व नाइन पाव बाय ट्वेल्व मीन्स थ्री पाव बाय फोर ये हो गया इसका आंसर इसके बाद कॉस इनवर्स वन बाय टू लेना है एक्स कुछ भी वेरिएबल एक्स ले सकते हैं अल्फावीटा के हमारा ले सकते हैं तो कॉस इन वर्स वन बाय टू इक्व टू एक्स वेर जीरो लेस इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू फाय कॉस एक्स इक्वल टू वन बाय टू वन बाय टू यानी कॉस फाइव वाय थ्री कॉस सिक्सटी डिग्री एक्स इक्वल टू फाइव वाय थ्री वेर जीरो लेस देन और इक्वल टू फाइव बाय थ्री लेस देन और टू फॉर कॉस एक्स मीन्स कॉस इन वन बाय टू इट इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री में लेना है साइन इनवर्स वन बाय टू इक्व टू ज्याम वाय साइन इनवर्स वन बाय टू टू कंडीशन माइनस फाइव बाय टू लेस देन और इक्वल टू वाई लेस देन और इक्वल टू फाइव बाय टू एंड द फर साइन इक्वल टू वन बाय टू वन बाय टू मीन्स साइन थर्टी दैट इज साइन π बाय सिक्स और वाईक्व टू फाइव बाय π बाई सिक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल एंड द फर इक्वल टू फाइव बाई सिक्स माइनस फाइव बाय टू लेस देन फाइव बाई सैन और टू और इक्वल टू एंड द फर साइन इनवर्स वन बाय टू इक्वल टू सिक्स टू साइन इनवर्स वन बाय टू दैट इज टू इंटू फाइव बाय सिक्स दैट इज फाइव बाय थ्री एंड द फॉर कॉस इनवर्स वन बाय टू प्लस टू साइन इनवर्स वन बाय टू इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाय टू फाइव बाय थ्री टू साइन इनवर्स वन बाय टू इट इज ऑल्सो फाइव बाय थ्री फाइव बाय थ्री प्लस फाइव बाय थ्री टू फाइव बाय थ्री थर्ड नंबर में टेन इनवर्स रूट थ्री इक्वल टू लेना है अल्फा अल्फा की वैल्यू ना माइनस फाव बाय टू फाइव बाय टू के बीच में माइनस पाई बाय टू लेस देन अल्फा लेस देन फाइव बाई टू एंड द फॉर टेन अल्फा इक्वल टू रूट थ्री रूट थ्री मीन्स टेन पाई बाय थ्री दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू पाई बाय थ्री वे आर माइनस पाई बाय टू लेस देन बाय थ्री लेस देन बाय टू एंड द फॉर टेन इनवर्स रूट थ्री ये हो गया फाइव बाय थ्री नेक्स्ट वेल से टू निकालना है तो सेकंड इनवर्स ऑफ माइनस टू इक्वल टू से बीटा कंडीशन कौन सी जीरो लेस दैन और इक्वल टू बीटा लेस देन और इक्वल टू एंड बीटा नॉट इक्वल टू पाए बाय टू बीटा नॉट इक्वल टू पाए बाय टू ना पाए बाय टू नहीं सेक बीटा इक्वल टू माइनस टू कॉस सिक्सटी डिग्री वन बाय टू सेक सिक्सटी डिग्री टू सिक्सटी डिग्री मीन्स पाव बाय थ्री सेक पाई बाय थ्री टू तो माइनस टू मीन्स माइनस एक पाए बाय थ्री सेक बीटा इक्वल टू सी कॉफ पाए माइनस फाय बाय थ्री सिक पाए माइनस थीटा दैट इज माइनस सिक्स थीटा

फोर्थ नंबर है कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू इक्वल टू सपोज अल्फा कंडीशन माइनस पाए बाय टू लेस देन अल्फा लेस देन पाए बाय टू वाई नॉट अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो कोसेक अल्फा इक्वल टू माइनस रूट टू साइन पाए बाय फोर वन बाय रूट टू कोसेक पा बाय फोर रूट टू रूट टू मीन्स कौशेक पा बाय फोर माइनस रूट टू मीन्स माइनस कोशेक पाए बाय फोर और माइनस कोशेक फाइव बाय फोर को लिखेंगे कोशेक ऑफ माइनस फाइव बाई फोर क्योंकि फॉर्मोला है कोसेक माइनस टीटा दैट इज माइनस कोशेक टीटा यानी अल्फा की वैल्यू हो गया माइनस फाइव बाई फोर कंडीशन माइनस फाइव बाई टू लेस देन और इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर लेस देन और इक्वल टू फाइव बाई टू एंड फॉर कोशेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट टू दट इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई फोर बाद में कॉट इनवर्स रूट थ्री टू लेना है बीटा फिर जीरो लेस देन बीटा लेस देन पाए यहाँ पे इक्वल टू नहीं है जीरो लेस देन बीटा लेस देन पाए कॉट बीटा इक्वल टू रूट थ्री टेन थर्टी वन बाय रूट थ्री काट थर्टी रूट थ्री रूट थ्री मीन्स कॉट फाइव बाय सिक्स थर्टी यानी फाइव बाय सिक्स बीटा इक्वल टू फाइव बाई सिक्स वेर जीरो लेस देन बीटा मीन्स फाइव बाय सिक्स लेस देन पा लेस देन पाए और बीटा की वैल्यू कितने हैं कॉट रूट थ्री तो कॉट इन रूट थ्री इक्वल टू फाइव बाय सिक्स अपने को वैल्यू निकालना है कोसेक इनवर्स माइनस रूट टू प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री कोसिक इन्वर्स माइनस रूट टू के माइनस फाइव बाय फोर प्लस कॉट इनवर्स रूट थ्री मीन्स फाइव बाय सिक्स माइनस फाइव बाय फोर प्लस फाइव बाय सिक्स एल सेम एट ट्वेल्व फोर थ्री टाइम्स ट्वेल्व है तो ऊपर आएगा माइनस थ्री पाए सिक्स टू टाइम्स ट्वेल्व है तो न्यूमरेटर आएगा टू पाए माइनस टू थ्री प्लस टू पाए दैट इज माइनस पाए सो आंसर इज माइनस फाइव ट्वेल्व तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स बाकी एग्जाम्पल्स नेक्स्ट लेक्चर में